भोपाल में बंद यौन शोषण के मामले में प्यारे मियां की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। वहीं कल भोपाल पुलिस चार नाबालिग पीड़ितों को लेकर इंदौर स्थित प्यारे मियां के लालाराम नगर के घर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची थी। इसमें से इंदौर पुलिस को तीन महिलाओं ने आवेदन दिया था, जिसे भोपाल पुलिस द्वारा जीरो पर कायमी कर इंदौर भेजा गया था। पुलिस ने इंदौर के पलासिया थाने में प्यारे मियां के खिलाफ तीन मामलों में प्रकरण दर्ज किए हैं। वहीं डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि प्यारे मियां से संबंधित अलग अलग मामलों में अभी तक 5 से 6 आरोपी हैं। सभी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। इंदौर पुलिस द्वारा यौन शोषण मामले में प्यारे मियां पर इंदौर पुलिस द्वारा यह पहला मामला है। मामला पलासिया थाने में दर्ज किया गया है। संभवतः इस पूरे मामले में अलग अलग जेलों में बंद आरोपियों को प्रोटेक्शन वारंट पर ला सकती है। पार्टी प्रतिबंधित है, अगर कोई इस तरह की शिकायत आती है तो पुलिस उसमें तत्परता से कार्रवाई करती है। उस मामले में भी शिकायत आई थी, कोई जन्मदिन की पार्टी की शिकायत आई थी, उस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की थी। और चूंकि मकान मालिकों को भी इसके लिए मना किया गया है कि किसी भी तरह के आयोजन और इस तरह की चीज़ों का बिना गाइडलाइंस का और बाकी चीज़ों का पालन किए बिना ना करें, इसलिए उनके विरुद्ध भी इसमें कार्रवाई की गई। जो बंगलों की बुकिंग थी ऑनलाइन हुई थी और मुंबई में इसके मकान मालिक हैं, इस तरह के और भी बंगले हो सकते हैं या ट्रेंड में हो इंदौर में? मुख्तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के वो सारे नॉर्म्स जो कि संक्रमण को फैलाते हैं, जो चीज़ें आवश्यक की गई हैं उनको पहले से ही सबको निर्देशित किया गया है और चीज़ों का पालन हो भी रहा है। अगर कोई इनका उल्लंघन करता है तो पुलिस उससे गंभीरता से लेगी और कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। जैसे उपलब्ध करवा देते हैं किसी तरह की पार्टी या राजनीति नहीं, अगर उपलब्ध कराते हैं तो अगर उसमें ऑनलाइन उपलब्ध कराने में समस्या नहीं, लेकिन जो तत्कालिक जो उसकी निर्धारित शर्तें हैं उनका पालन किया जाना सुनिश्चित किया होना चाहिए। उनको उस सारे नॉर्म्स पे भी जो व्यक्ति ले रहा है उसको इस बात के लिए बात किया जाना चाहिए कि उन सारे सुरक्षा नियमों का पालन करके ही उन्हें लेगा। इन बातों में अगर कहीं उल्लंघन आती है या कोई सूचना पुलिस को नहीं प्रदान की जाती है, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच सीएसपी रेंज के अधिकारियों को सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरवान न्यूज, इंदौर।